जी, मेरा आपसे सवाल है, इक्विटी मार्केट को मैच्योर होने में, जहां तक अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो तकरीबन तकरीबन 130 साल लगते हैं, 130 के भी 140 साल आप मानिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ही मैं मानूंगा कि जो इक्विटी के अंदर में बूम आया है, और हार्डली आप देख करके चले 7-10 साल मैक्सिमम फ्रेम होने देते हैं, और उससे पहले इक्विटी मार्केट को भी उसी नजर से देखा जाता था जिस नजर से आज कमोडिटी मार्केट को देखा जाता है। हाँ, थोड़ी सी मैच्योरिटी इस वजह से इस समय पर दिखाई देती है, एजुकेशन का फर्क है, प्लस जो इक्विटी मार्केट की मैच्योरिटी है वो कमोडिटी मार्केट के अंदर दिखाई देती है। क्या टाइम फ्रेम माना जाए लोगों को कमोडिटी मार्केट और कमोडिटी ट्रेड ये समझने में कितना समय लगे? अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो आप यकीन मानिए कि हमारे जर्नलिज्म के बीच के अंदर भी शायद ही 1000 जर्नलिस्ट के बीच के अंदर भी कमोडिटी मार्केट की समझ आ गई। तो अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए, कुछ उनको तुरंत समझ में आता लेकिन कमोडिटी उनको समझ में नहीं आता, हालांकि चाहे वो बिजनेस बैकग्राउंड से क्यों ना आया, तो ऐसे में किस तरीके से समझा जाए और ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है जहां पे कमोडिटी मार्केट की अवेलेबल पार्टिसिपेशन इनको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़े चैलेंज है इस मार्केट के अंदर। इसमें मेरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे यहाँ हम बात कर रहे थे, लिक्विडिटी की भी बात हुई, लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की भी बात हुई, मुझे ये सब भाग्य में रहा कि मैं तीनों एक्सचेंज का पर्सनल कंसल्टेंट रहा जब ये शुरू हुए थे 2003-04 के आसपास में। तो फ्लैशबैक में अगर जाऊँ और उसके पहले भी जब ओपन हाउस कंसल्ट रहा था तो मैंने बेरिंग के फ्यूचर देखे है, रीड के फ्यूचर देखे है, गवार, वाटरमेलन सीड, बहुत सारे फ्यूचर देखे और काफी कुछ में तो मैं पार्टिसिपेट भी कर रहा था एज ए प्रोपरेटर। आज की हालत में अगर बात करें, जो नॉलेज पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे थे, तो क्रिप्टो एसेट क्लास है जिसमें ना वेबिनार होता है, ना कुछ होता है, ना रेगुलेशन होता है। आपको ताज्जुब होगा कि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे पहुंच गया है क्रिप्टो, और एवरेज साइज जो है वो मिलियन से पार हो चुकी है, 20-25 लाख लोग इसमें एक्टिव इन्वेस्टर है जिनका मंथली एवरेज एक्सपोजर 10,000 से 25,000 का रेगुलर तौर पे है, मंथली 15,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो इनको कौन एजुकेशन देने गया था? 24 साल के 22 साल के लड़के, इनको किसी ने एजुकेशन नहीं दिया, किसी ने अवेयर नहीं किया। ये मार्केट जबरदस्त ग्रो हुआ, इक्विटी 150 साल की हुई और डायरेक्ट ऑनरशिप इंडिविजुअल तौर पे देखे तो आज भी 10% से कम है। इवन एफ एंड ऑन के टर्म्स में भी बात करें तो एक्टिव एफ एंड ऑन टर्म इंडिविजुअल टर्म्स में आज भी 10 लाख है, 130 करोड़ की देश में। उसके सामने क्रिप्टो का तो जन्म अभी 12-13 साल पहले हुआ और इसकी डायरेक्ट ओनरशिप जो है वो साइजेबल होती एट पार विथ इंडेक्स प्रोडक्ट्स। तो मैं जो फर्क समझा वो ये है कि इसमें आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। कमोडिटी में ढेर सारी परेशानी आई, गवर्नमेंट जैसे ही ग्रोथ हुआ, CTT आया, STT आया, फिर कुछ न कुछ मार्केट हिकअप्स आते रहे, फिर अभी जैसे NCDX पे काफी बूम आ रहा था एग्री प्रोडक्ट्स में, तो अभी जो सपोकेशन हो रहा है वो युवराज भाई ये ब्रोकर ब्रोकिंग इंडस्ट्री से वो समझते होंगे कि कितना सपोकेशन आ रहा है इन द नेम ऑफ मार्जिन्स और मार्केट इंटीग्रिटी, या जो बड़े बड़े ब्यूटीफुल नाम होते हैं एक्सचेंज खुद भी समझ रहा है, बट और बदनामी एक्सचेंज को मिल रही है, बट इनफैक्ट सेबी इज डूइंग दिस, रेगुलेटर ये सब कर रहा है, एक्सचेंज के हाथ में तो या मार्जिन या कुछ होता नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को डेवलप करना है,
गवर्नमेंट की मंशा है, सर्वोदय की मंशा है, तो पहले तो ये गले पे से हाथ हटा लो और इसको सफोकेशन कम करो तो ऑटोमेटिक वो ग्रो होना शुरू करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात अलग है और एप्लीकेशन अलग है। मैं सभी ऐसे प्रयास को देखता हूँ, इंडेक्स फंड या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स या डेट या हाइब्रिड प्रोडक्ट, पर कमोडिटी में सबसे ज्यादा रेगुलेशन है और स्पेशली जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, जो प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है, कभी ड्यूटी बढ़ गई, कभी कम हो गई, कभी टैरिफ चेंज हुआ, कभी टैरिफ आ गया, कभी चले पे स्टॉक लिमिट लग गई, कभी आ गई, तो ये जो हाइकअप है नेटवर्क नेचुरली दूसरे जैसे इंडेक्स प्रोडक्ट को भी नेचुरली वो इफेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि वो सेंटिमेंट को डिक्ट करते हैं। तो पहले तो वो कम्फर्ट आना जरूरी है, इसमें सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो अजय भाई ने कहा कि फियर जो होता है अननोन, फियर ऑफ अननोन, वो फियर उनका डर हो उसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हर चीज का तरीका होता है, जैसे क्रिप्टो में भी रेगुलेशन या डर तो है ही, लेकिन इन लोगों ने अपना रास्ता निकाल लिया। कोई भी चीज का या तो either you can fight it या you can join them, दो ही तरीका होता है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सपोर्टेशन कम होगा और एक बार इंडस्ट्री भी थोड़ी हिम्मत करके पार्टिसिपेशन में आएगी तो वो फिर तो वो फिर एक लूप आ जाएगा कि 10 नोट की लिक्विडिटी 20 नोट को लाएगी, 20 नोट की लिक्विडिटी 40 को लाएगी, 40 की 140 को लाएगी, देन इट विल बी लाइक ए न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो वाली प्रोसेस हो जाएगी, जिसको फेडबैक लूप बोलते हैं। बट सम हैज टू टेक, क्योंकि पहला पत्थर ये मारे बाद में मैं मारूं वो बात नहीं चलती।